वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर फिफ्थ चैप्टर आपका चल रहा था, हम लोग द ट्रॉपिकल डेजर्ट जो हमारा चैप्टर है, ट्रॉपिकल डेजर्ट केस स्टडी, द ट्रॉपिकल डेजर्ट केस स्टडी सऊदी अरेबिया, ठीक है। हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है सऊदी अरेबिया के लोकेशन, लैंड सरफेस जो है, वाटर सरफेस, क्लाइमेट, वेजिटेशन, यहाँ तक कि वाइल्ड लाइफ के बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया था, कर लिया था। अगला जो हमारा आज हम लोग शुरू करते हैं, जिस चीज़ की बात करनी है, जिस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है, वो है लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब के लोगों का लाइफ स्टाइल किस तरह का है, इसकी चर्चा हम लोग आज की क्लास में करेंगे। तो द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया कैन बी कैटेगराइज इनटू थ्री ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लाइफ स्टाइल। तीन, यहाँ के लोगों को तीन ग्रुप में उनके लाइफ स्टाइल के हिसाब से डिवाइड किया गया है। वो ग्रुप है आपके फार्मर्स, नोमैड्स और सिटी ड्वेलर्स, ठीक है। द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया कैन बी कैटेगराइज इनटू थ्री ग्रुप्स। सऊदी अरेबिया थ्री ग्रुप्स है आपका, एक है आपका फार्मर्स, दूसरा आपका नोमैड्स, तीसरा आपका है सिटी ड्वेलर्स, ठीक है। पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है। तीन तरह की कैटेगरी में यहाँ के लोगों को बांटा गया है अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ स्टाइल, फार्मर्स, नोमैड्स एंड द सिटी ड्वेलर्स, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या है, कैसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं, किस तरह का लाइफ स्टाइल है इनका, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट वन इज फार्मर्स, द फर्स्ट ग्रुप इज फार्मर्स। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेज लोकेटेड नियर द ओएसिस। एज वी रेड अर्ली इन प्रीवियस क्लासेस, द डेजर्ट्स रीजन वेयर द वाटर इज स्कार्स, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी का कमी जो है, जैसा कि हम जानते हैं। बट ओएसिस जो है, ओएसिस ऐसा एरिया है, ऐसा रीजन है जहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो सरफेस पे आता है, और जिस वजह से वहाँ वेजिटेशन या फार्मिंग जो है वो संभव हो पाता है। तो फार्मर्स जो है, दे लिव नियर द ओएसिस, दे आर मोस्टली फार्मर्स, दे मेक हाउसेज फ्रॉम सन ड्राइड ब्रिक्स। दीज हाउसेज हैव फ्लैट रूफ्स। ये जो घर बनाते हैं ये फार्मर्स, बेसिकली ये ओएसिस के नज़दीक के रीजन में रहते हैं, निवास करते हैं, खासकर गांवों में। और यह घर जो बनाते हैं ड्राइड ब्रिक्स से घर बनाते हैं, और इनका जो रूफ होता है वो फ्लैट रूफ बनाते हैं। सच हाउसेज रिमेन कूल फ्रॉम इनसाइड, और जिस वजह से इनका जो घर का आंतरिक हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा है, वह कूल रहता है, ठंडा रहता है। तो पहला जो ग्रुप है आपका वो फार्मर्स का ग्रुप, जो ओएसिस के नज़दीक रहते हैं। एकमात्र रीजन इसका है
ओएसिस द एरिया नियर द ओएसिस इज हैव एबिलिटी टू ग्रो क्रॉप्स। तो जो ओएसिस के नज़दीक का क्षेत्र है वहाँ पे खेती की जा सकती है, खेती की जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओएसिस। ग्राउंड वाटर कम ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड तो जो फार्मर यहाँ के जो है वह खेती करते हैं और अपने घर जो बनाते हैं उनका रूफ जो है वो फ्लैट रूफ बनाते हैं, फ्लैट रूफ। और खासियत इनके घरों की होती है कि यह अंदर जो है अंदर से यह ठंडा रहता है। दूसरा जो आपका पीपल का जो कैटेगरी है पहला आता है, दूसरा नोमैड्स। नोमैड्स का मतलब होता है वांडरर या इधर से उधर घूमने वाले, बंजारा भी इनको कहा जाता है, एक समूह है। दिस पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड फ्रेश पास्चर्स फॉर देयर कैटल। ये अपने जानवरों को लेकर इधर एक जगह से दूसरे जगह विचरण करते रहते हैं अपने भोजन के लिए और जानवरों को भोजन कराने के लिए भी, या एक जगह से दूसरे जगह इस ग्रुप के लोग घूमते रहते हैं, इनको नोमैड्स कहा जाता है। यह जानवर पाल कुछ जानवरों को पालते हैं जिसमें आपका गोट, कैमल और शिप, ये तीन तरह के जानवर होते हैं, एनिमल होते हैं, गोट कैमल एंड शिप। जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था शिप कैमल जो है द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल है डेजर्ट रीजन का। दे ऑल्सो कीप ए फ्यू हॉर्सेस समटाइम, कभी कभी ये घोड़ा भी पालते हैं रखते हैं। दे आर कॉल्ड नोमैड्स, और ये नोमैड्स कहलाते हैं, बंजारे कहलाते हैं। दिस नोमैड्स आर कॉल्ड बेडुइंस इन सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया में जो ये ग्रुप है नोमैड्स का उसको बेडुइंस कहा जाता है। तो सऊदी अरब के लोग जो बंजारे हैं, जो नोमैड्स हैं, जो इधर से उधर घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों को बेडुइंस कहा जाता है। इस ग्रुप के लोगों को बेडुइंस कहा जाता है। द बेडुइंस लिव इन टेंट्स एंड डेजर्ट्स, टेंट बनाकर रहते हैं, ठीक है, या फिर डेजर्ट में रेगिस्तान में रहते हैं। दे वियर लूज क्लॉथ्स, दे मूव इन ग्रुप्स फॉर्मिंग लॉन्ग रोज ऑफ कैमल, ऊंट की सवारी करते हुए या घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, और एक लाइन से जिसको कहा जाता है कि एक सीक्वेंस में ये अपना चलते रहते हैं। ग्रुप हमेशा जो है ये नोमैड्स पीपल जो है बेडुइंस इसको कहा जाता है सऊदी अरेबिया में, ये ग्रुप में जाते हैं और इनका मुख्य जो कैटल है, जो सवारी है वो है कैमल। कैमल की सवारी करते हैं ये, उसी पे अपना सामान, खाने पीने का सामान जो भी है उसको अपने साथ कैरी करते हैं, ठीक है। दिस रोज ऑफ कैमल्स आर कॉल्ड कारवा, और ये जो कैमल्स का जो रोज चलता है, मतलब एक रो में चलते हैं ये लोग, कई सा बहुत सारे कैमल्स होते हैं उस पर लोग बैठे होते हैं अपने सामानों को लाद के चलते हैं, और इस ग्रुप इस रोज को जो है कारवा कहा जाता है ना। द बेडुइंस सेल एंड बाय देयर गुड्स एट द विलेज मार्केट प्लेस। अब इनके अपने जब ये निकलते हैं तो अपने साथ बहुत सारे सामान जो है ले जाते हैं, ठीक है, और इन सामानों को जो है वह मार्केट में जाकर जो है मार्केट में बेचते हैं और अपनी जरूरत की सामानें खरीदते भी हैं। दे मेक टेंट्स फ्रॉम द हाइड्स ऑफ एनिमल्स, देयर क्लॉथ शू वाटर बैग्स इटीसी आर ऑल्सो मेड फ्रॉम एनिमल्स हाइड। जो भी चीज़ें इनकी होती है, कपड़े हो चाहे जूते हो, सब जो है एनिमल्स के इससे खाल से बने होते हैं। वूलन गारमेंट्स एंड कारपेट्स आर ऑल्सो मेड बाई देम फॉर द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शिप। और चूंकि ये शिप की खेती करते हैं, सॉरी शिप को पालते हैं, चूंकि यह कैमल के साथ साथ शिप भी पालते हैं ब्रिडविल्स, तो शिप से जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वूल प्राप्त किया जाता है, उससे वूलन क्लॉथ बनाए जाते हैं,
तो ये लोग भी जो है उससे ऊन प्राप्त करते हैं सिप से, और वुलन क्लॉथ कारपेट्स आर ऑल्सो मेड बाय देम फ्रॉम द वुलन गारमेंट्स। और कारपेट्स जो है ये उल से बनाते हैं जो सिप से इनको भेड़ से प्राप्त होता है। तो दूसरा जो आपका ग्रुप है पीपल का वो था आपका नोमैड्स, ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरे जगह एक रो में कैमल की सवारी करते हुए बहुत सारे सामान को उस पे रखते हुए कैरी करते हैं अपने साथ। और नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ कैमल्स आर प्रेजेंट इन दिस ग्रुप्स आर नोन एज द रोज ऑफ दिस रोज ऑफ कैमल्स आर कॉल्ड कारवा। द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया, द नोमैडिक पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया नोन एज बेडुइंस। ठीक है। थर्ड जो आपका है ग्रुप वो है सिटी ड्वेलर्स। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सिटी ड्वेलर्स एंजॉय ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज ऑफ लाइफ। अभी तक हम लोगों ने जो दो ग्रुप के बारे में पढ़ा है, फार्मर्स द ग्रुप हु लिव नियर विलेजेस गांव में रहते हैं, ओएसिस के नजदीक निवास करते हैं ताकि खेती कर सके फार्मर्स। दूसरा ग्रुप आपका नोमैड्स था जिसको सऊदी अरेबिया में बेडविन्स कहा जाता है, जो एक जगह से दूसरे जगह विचरण करते रहते हैं, है ना, कैमल की सवारी करते हैं, उस कैमल पे अपने साथ साथ बहुत सामान भी कैरी करते हैं जिसको मार्केट में बेचते हैं, फिर अपनी जरूरत की सामान खरीदते हैं और उसी कैमल पर लोड करके घूमते रहते हैं। ठीक है। सिटी ड्वेलर्स जो है वो सबसे उसमें जो है मॉडर्न लोग कहलाते हैं, जिनके पास सारी मॉडर्न फैसिलिटीज होती है। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल हैज चेंज द लाइफ्स ऑफ द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया तेल के कारण जो है फेमस है, काफ़ी फेमस है, और यही इनका जो है इनके इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है, जिस वजह से इनका लाइफ स्टाइल जो है काफ़ी जो है लाइफ स्टाइल में भी काफ़ी चेंजिंग आई है। यहाँ के लोग जो है मॉडर्न लाइफ स्टाइल जीते हैं और इनको सिटी ड्वेलर्स कहा जाता है। ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज लाइक एयर कंडीशन, हाउसेज, बिल्डिंग्स, स्कूल्स, पार्क, हॉस्पिटल एंड बिजनेस सेंटर्स आर फाउंड इन सिटीज। ठीक है। तो जो शहर शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग, जो मॉडर्न फैसिलिटी का इस्तेमाल करने वाले, स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल को जीने वाले लोग जो है सिटी ड्वेलर्स होते हैं, और सारी फैसिलिटी जिनके पास होती है। तो तीनों ग्रुप के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली, फार्मर्स, बेडविंस यानी नोमैड्स, और तीसरा सिटी ड्वेलर्स। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक टीवी, डीवीडी प्लेयर्स, कंप्यूटर्स, रेडियोज एंड ऑटोमोबाइल्स आर इजली अवेलेबल इन सुपर मार्केट्स एंड शॉप्स इन सऊदी अरेबिया। ऑल दिस फैसिलिटीज आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ द मनी अर्न फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम। और चूंकि मैंने आपको जैसे बताया कि इनका मेन जो है जो साधन है आर्थिक ग्रोथ का जो साधन है, जो अर्न करने का जो साधन है वो है पेट्रोलियम, और उसकी वजह से जो है ये इस यहाँ के मार्केट में जो है इजली जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है बड़े पैमाने पे मिलते हैं, और यह पॉसिबल किस वजह से हो पाता है, पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट से। ठीक है। निर्यात करते हैं, पेट्रोलियम का निर्यात कई देशों में करते हैं, जिस वजह से इनका आर्थिक स्थिति जो है काफ़ी बेहतर है, काफ़ी मजबूत है, और बहुत सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज है इसको एंजॉय करते हैं। जो इम्पोर्टेंट सिटीज है यहाँ का सऊदी अरेबिया का, ड्यू टू द लार्ज ऑयल रिजर्व्स सऊदी अरेबिया इज नाउ कंसिडर्ड एन इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि जो ऑयल तेल जो है ऑयल को जो एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं, जिस वजह से जो है यह एक इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री कहलाता है।
Right, many big cities with all the modern facilities have come up in Saudi Arabia. Wide metal roads with imported cars moving on them. Multi-story building, big hospitals, school, colleges, and multiplexes can be seen in the cities. जो भी modern facilities होती है, जो भी modern चीजें हैं, वो सारी जो है यहाँ पे available है. बड़े-बड़े hospitals, buildings. मॉल्स, होटल्स, ये सारे जो है सऊदी अरब में अवस्थित है. द मार्केट्स आर फुल ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स. ठीक है, और यहाँ का जो मार्केट है उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेड गुड्स जो है उपलब्ध है. ठीक है, दो वर्ल्ड जो है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है शायद पहले मैंने बताया हुआ होगा आपको, एक बार मैं फिर बता दूं. जो वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे से उनका ट्रेड रिलेशनशिप है, बिजनेस रिलेशनशिप है, इसलिए है कि जो चीज़ें उनके पास अवेलेबल नहीं है वो दूसरे कंट्री से वो इंपोर्ट करते हैं, और जो चीज़ें उनके पास है वो अदर कंट्री को जो है एक्सपोर्ट करते हैं. तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है कंट्रीज के बीच ये रिलेशनशिप जो है ट्रेड का वो चलता आ रहा है. जो सामान जैसे सपोज इंडिया में बहुत सारी चीज़ें जो नहीं है तो बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे पास है अदर कंट्रीज में नहीं है तो हम लोग जो है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, अदर कंट्रीज को देते हैं. इस तरह से जो है ट्रेड रिलेशनशिप जो है वह एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच बना हुआ है. उसी तरह सऊदी अरेबिया में जो है बहुत सारी चीज़ ये लोग इंपोर्ट करते हैं और अपने मार्केट में इसको अवेलेबल कराते हैं और इसको सेल करते हैं. देर आर ए नंबर ऑफ मॉडर्न सिटीज इन सऊदी अरेबिया लाइक रियाद, मक्का, जिदा, हफ़ा, वरकाडा एंड मदीना. ये इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं सऊदी अरेबिया के. ठीक है, तो इम्पोर्टेंट सिटीज रियाद, मक्का, जिदा, वरकाडा एंड मदीना जो है इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं. किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिद्दा में अवस्थित है. ड्रेसेस की खासियत है यहाँ का, जो यहाँ के लोग जो वस्त्र पहनते हैं और डिफरेंट थोड़ा सा होता है. पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया जनरली वियर ट्रेडिशनल अरब क्लॉथ्स, मेन वियर ए लॉन्ग कॉटन गाउन कॉल्ड थॉब. एक लंबा जो है कॉटन का गाउन पहनते हैं यहाँ के लोग, और अ हेड कवरिंग कॉल्ड गुट्रा इज यूज्ड बाय मेन टू प्रोटेक्ट देयर हेड फ्रॉम द सन. और सिर को जो है बांधे रहते हैं हमेशा, ये लोग पूरी तरह से ढके हुए होते हैं अपने सिर को. वुमेन वियर ए लॉन्ग रोब कॉल्ड अबया एंड कवर देयर हेड विथ ए स्कार्फ कॉल्ड हिजाब. महिलाएं जो है लॉन्ग रोब जिसको कहा जाता है, लॉन्ग रोब जो पहनते हैं उसको अबाया कहा जाता है, और वो अपना फेस जो है कवर करती है, हेड जो है कवर करती है, जिसको हिजाब कहा जाता है. रिलीजन की बात अगर हम करें तो सऊदी अरेबिया इज एन इस्लामिक स्टेट लार्जली ऑक्यूपाइड बाय अरबी मुस्लिम के द्वारा जो है, मतलब ज़्यादातर जो है यहाँ इस क्षेत्र में अरबी मुस्लिम रहते हैं. इस्लामिक स्टेट है ये,
मक्का एंड मदीना आर द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज ऑफ द मुस्लिम। मक्का मदीना जहाँ पे मुस्लिम जो है हज यात्रा के लिए जाते हैं, हज के लिए। एवरी ईयर मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार के मुस्लिम लोग जो है, संसार से मुस्लिम लोग जो है हज यात्रा के लिए मक्का मदीना पहुँचते हैं हर साल लाखों लोग। हम लोग जो है कुछ और चीज़ें हमें पढ़नी है अभी सऊदी अरेबिया के बारे में, एक क्लास हमारा और लगेगा इसमें, यानी हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, फिर हम लोग आगे जो है क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग जो है एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ये तीन टर्म अभी हमें पढ़ना है, इम्पोर्टेंट टर्म्स है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।